अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इसमें फारिया सदीकी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। आज मैं कुछ बेटर हूँ तो मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। आज की वीडियो है का टॉपिक क्या है, वो हमारे हेयर के अबाउट है। मतलब कि ऐसा होता है ना समटाइम कि किसी किसी का गंजपन आ रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं और दो मुँह हो रहे होते हैं, डैमेज और भी हो भी जाते हैं बहुत ज़्यादा कलर करवाने से, हेयर स्ट्रेट करवाने से, कर्ल्स करवाने से। तो उन सब का एक सलूशन है, वो है ऑयल। जो मैं आज आपको ऑयल बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा आसान है ऑयल और इसको बनने में 20 मिनट्स लगेंगे। 20 मिनट्स के बाद आपको ऑयल तैयार है और मैं कहती हूँ आप एक बार लगाएँ, आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे, आपके सारे जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। हमने चुकंदर लेना, चुकंदर हमें इसमें ऐड इसलिए करूँगी क्योंकि वह हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर देता है। जैसे हमारे बाल वाइट हो रहे होते हैं तो वो उसमें कलर का काम करेगा। उसके बाद आपने इसमें सरसों का ऑयल लेना है। सरसों के ऑयल के अलावा आप कोई ऑयल ले ही नहीं सकते। ऑयल के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, आपके बालों को लॉन्ग करेगा, शाइन करेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके बालों में जो डैंड्रफ होगा उसे रिमूव करेगा। और उसके बाद जो हमने इसमें ऐड किया वो है हमारे पास एक अदद अंडा, और अंडे की सिर्फ उसकी जर्दी लेनी है। आप कोई भी अंडा ले लें उसका कोई इशू नहीं है, बस आपने उसकी जर्दी लेनी है। तो वो अंडे इसलिए यूज़ किया है, हमारे जब बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं तो अंडे से बहुत जल्दी हमारे बालों का गिरना ख़त्म होता है। अंडा हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और हमने उसके बाद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। तो लौंग इसलिए ऐड करना है क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं घर में, या वैसे ही हमारे सर दर्द से फटा होता है और सुकून नहीं मिल रहा होता हमें। तो आप इससे मसाज कर लेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा बहुत। हल्दी हम ऐड करेंगे। हल्दी इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हल्दी हमारे बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करती है। जैसे हम स्ट्रेट करने के बाद हमारे बाल कुछ लगते हैं ना, बिल्कुल वैसी ओरिजिनल स्ट्रेट करती है। बाज़ात किसी के बाल कर्ल्स में हो जाते हैं, उनको बहुत बुरे लगते हैं कि हमारे बाल कर्ल क्यों है, तो वो भी इसमें हल्दी इसलिए मैंने ऐड किया था क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये देखें, लस्सी स्टार्ट करते हैं अपना ऑयल बनाना। पहले आपने एक बर्तन ले लेना है, गैस मैंने चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, एक बर्तन ले लिया है मैंने। अब इसमें हमने अपना ऐड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल हमने ऐड करना है। सरसों का ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है, तो सरसों का ऑयल इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से सारा इसमें। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा इसको हमने गरम करना है। जैसे ये गरम होगा उसमें उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है अंडे की जर्दी। आप देसी अंडा भी ले सकते हैं और दूसरा अंडा भी ले सकते हैं, उसकी से जर्दी हम इसमें ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको गरम होने दें। एक कप ऑयल लिया है, जो मैं आपको ऑयल बनाना सिखा रही हूँ वो बस एक कप ऑयल का बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ऑयल बना के स्टोर किया हुआ है, तो मुझे इतनी ज़्यादा अभी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने एक कप ऑयल लिया। और एक कप के हिसाब से मैं आपको सीधे इसमें ऐड करके बताऊँगी कि कितनी क्वान्टिटी में हमने क्या इसमें ऐड करना है। तो देखिए फ्लेम थोड़ा सा मैं ये गरम हो चुका है। अब हमने जो इसमें ऐड करना है वो है हमारे पास ये अंडे की जर्दी। हमने वो ऐड कर लेनी है। इसके बाद जो हमने इसमें ऐड करना है वो हमारे पास आता है चुकंदर, पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देना है। इसको आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें लौंग ऐड कर लेनी है, 2 से 3 लौंग आप इसमें ऐड कर लें। ये देखिए 1, 2, 3 मैंने इसमें लौंग लिया, आप इसको 4 भी कर सकते हैं। तो अब आपने इसको पकाना है, आपने इतना पकाना है कि इसको पूरा आपने जला देना है। तो ये देखिए अभी मैं इसको पकाऊँगी ताकि पूरे तरीके से जल जाए। और आप जैसे ये ऑयल वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए अपना जो बर्तन होता है वो सेपरेट कर लें, बिकॉज इस चीज़ों से ना बर्तन जल जाते हैं। तो वो बेसिकली आप इन्हीं के लिए ही रख लें कि हमने जब भी कोई रेमेडी पकाने वाली रेमेडी बनानी है तो हम ये वाले बर्तन इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि ये वो। तो ये देखें अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, हमने इसको पूरे तरीके से जलाना है। जैसे अंडा है हमारे पास येलो येलो सो हो रहा है, अभी इसको हमने पूरा ब्लैक कर देना है, इसको हमने इतना ज़्यादा जला लेना है। चुकंदर भी आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है, जितना आप उसको जलाएंगी उतना ही आपके बालों को प्यारा करेगा और गिरने से रोकेगा। बेसिकली हमारे जो ये रेमेडी है, ये ऑयल बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, वो ना टूटें, कंट्रोल हो जाएँ वो सब इश्यूज़ हमारे। बाल तो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, वो नीचे से दो मुँह होना स्टार्ट होते हैं, वो फिर सर तक आ जाते हैं इतनी जल्दी जल्दी बढ़ बढ़ के।
को उन सबको ख़त्म करने के लिए ही ये मैंने ऑयल बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसे यूज़ करें, इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज हमने खुद बनाया हो सारे ने। एंड साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई बिल नहीं आ जाएगा आपके घर, बस आपने एक बटन प्रेस करना है सब्सक्राइब करने का, और उसके साथ एक बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस करना है, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऑयल बन रहा है हमारा, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखें किस तरीके से जलता जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से जलता जाएगा। आपने बिल्कुल भी तेज़ आँच पे से नहीं पकाना, स्लो आँच पे पकाना, नहीं तो बर्तन जल जाएगा और फिर मम्मी से आपको सही बातें सुनने को मिलेंगी। ये देखें बन गया। तो देखें ये हमारा जो ऑयल था वो रेडी है, मतलब प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है, बस ये हमने जला लिया। इस तरीके से आपने इसको कोयले की तरह जला लेना है बिल्कुल। ये देखें अब इसमें जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है 1 चम्मच हल्दी। जितनी ये हल्दी हमारे फेस के लिए इफेक्टिबल है, हमारे फेस के लिए अच्छी है, उतनी ही हमारे बालों के लिए भी अच्छी है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स इसमें कर लेना है। अच्छे तरीके से पकाने के बाद ही आपने इसको ऐड करना है। और अब आपने इसको करना है ठंडा। जब ठंडा हो जाएगा, ये देखें ये जब भी ठंडा हो जाएगा, अब फिर आपने इसको छान लेना है अपने ऑयल को सेपरेट करके। इन जो हमारे में जली हुई चीज़ें हैं ना, चुकंदर हमारे पास, जो एग है हमारे पास, वो आपने इसको सेपरेट कर लेना है, अपने ऑयल को सेपरेट कर लेना है। तो मैं अभी आपको इसको छान के दिखाती हूँ। हमारा ऑयल पक गया है, रेडी हो चुका है। ये देखें मैंने इसे ठंडा भी कर लिया है, और कुछ इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें रह जाएंगी। ये देखें इनका कोई भी काम नहीं है, उसे उठाइए कचरे में फेंक दे, ठीक है, इनका कोई आपके पास काम नहीं है। तो ये रहा हमारा ऑयल, जो कि पूरी ये मैंने भर के बाउल लिया था, पूरा बाउल भर के लिया था, आपके सामने मैंने ऐड किया था। और अब आप ये देखें पक के कितना आ गया। आपने इसको इतना पकाना है कि एक कप अगर आपने लिए तो वो हाफ हो जाए, इतना पकाना है, ताकि जो हमने इसमें इंग्रीडियंट्स ऐड किए वो अच्छे तरीके से अपने अंदर की जो नेचुरल सारी चीज़ें ना वो बाहर निकाल लें, और आपके ऑयल में आपको प्रोवाइड कर दें एक ऑयल। तो ये बिल्कुल वैसे एक ऑयल आपको मिल गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके बता देती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये अपने आप बालों पे लगाएं, नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें, और उसके बाद इसकी जो स्मेल है सच बताऊँ तो जली हुई चीज़ों की तरह है। जैसे कोई चीज़ जल जाती है उसमें जो स्मेल आ रही है, बिल्कुल वैसी ही स्मेल आ रही है। तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी कि अमेजिंग है स्मेल या कुछ भी है, नहीं नहीं स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जल गया। आप अपने बालों पर लगाएंगे ना तो लोग आपके पास जो बैठे होंगे बोलेंगे कुछ जलने की स्मेल आ रही है, बट ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। आप खुद हैरान हो जाओगे, एक से दो बार यूज़ में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बाल जो गिरना बंद हो जाएंगे आपके बाल जो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, अपने प्यार के साथ शेयर कर दे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद जो बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हमें आ जाएगा लेने के बाद। अल्लाह हाफिज़।